हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिहारी स्टाइल पीठा की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिया है पैन, पैन में डाला है जीरा, उसके बाद अजवाइन, कलौंजी और सभी को हल्का फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ डाला हरी मिर्च, मिर्च को भी हल्का फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारा यहाँ फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और सभी को अच्छे से पकाएंगे। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ हल्दी, जीरा, नमक, धनिया। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ डाला है गरम मसाला। मसाला हमारा यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का पका लेंगे। हमारा मसाला यहाँ पे हो चुका है रेडी। अब हम तैयारी करेंगे पीठा के लिए। मैंने यहाँ लिया है 2 कप चावल का आटा, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 गुनगुने पानी से हमें डो रेडी कर लेना है। चावल का आटा का डो रेडी हो चुका है। अब हम इसे बॉल आकार में कट कर लेंगे। आप इस तरीके से बॉल रेडी कर ले सभी। हमारा सारा बॉल यहाँ हो चुका है रेडी। अब हम मसाले भर लेंगे। मैंने यहाँ रखा है पानी गर्म होने के लिए। एक बार चेक कर लेंगे गर्म हुआ है कि नहीं। अब हम एक एक बॉल लेंगे और सूखे आटा की हेल्प से एक कटोरी के शेप देंगे और उसके बाद डालेंगे हम अपना मसाला जो हमने रेडी किया था, और इस तरीके से कर लेंगे हम बंद।
हम सारे पीठे को इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। हमारा सारा पीठा रेडी हो चुका है। एक बार पानी चेक कर लेंगे कि बॉईल हुआ है कि नहीं। पानी हमारा यहाँ बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें सारे पीठे को डाल देंगे। पीठा को हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं पीठा सारा ऊपर आ चुका है, इसका मतलब हमारा पीठा रेडी है। अब हम निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। अब हम सारे पीठे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम तैयारी कर लेंगे तड़के की। सबसे पहले मैंने यहाँ पैन में डाला है सरसों तेल, उसके बाद राई यानी कि सरसों और कढ़ी पत्ता। सरसों हल्का चटक जाए उसके बाद हमें सारे पीठे को इसमें डाल देना है। मैंने पीठा को कट करके फ्राई किया है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं बिना कट किए। हमें पीठा को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है पलट के। हम इस तरीके से पीठा को कट कर लेंगे जैसे मैंने कट किया है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है सारे को। सारा पीठा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम गैस को कर लेंगे ऑफ़। हमारा सारा पीठा हो चुका है फ्राई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।